हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 न्यू अपडेट्स के साथ एंड ग्राफिक्स के साथ आपके सामने खड़ी हुई है। 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, फैक्सिन को सपोर्ट करती है। एंड गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने इंटरसेप्टर 650 में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इंजन में पावर एंड टॉर्क क्या मिलती है, एंड प्राइसिंग, वेरिएंट, माइलेज एंड टायर प्रोफाइल वगैरह, ब्रेकिंग सिस्टम, वॉक अराउंड लेने वाले, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल में क्या फीचर्स मिल जाते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट में अपने क्या फीचर्स ऑफर होती है भाई रॉयल एनफील्ड की तरफ से इंटरसेप्टर 650 में। प्रॉपर डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, वॉक अराउंड लेंगे। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन उसे पाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, रॉयल एनफील्ड की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल आप वन प्लेस ऑटोमोबाइल पर आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। सबसे पहले गाइज, अगेन हम लोग हमेशा की तरह इसकी की से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कीज़ देखने को मिल जा रही हैं अपने इंटरसेप्टर 650 में। वेब कीज़ ऑफर हो रही हैं एंड काफ़ी बढ़िया ब्लैक कलर की आती हैं। एंड जैसे ही आप अपने इग्निशन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर गाइज फ्रंट में अपने को LED जो एज अ DRL ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। एंड उसके बाद रियर में आते हैं तो भाई अपना जो टेल लैंप है वो लो बीम पे ब्लिंक करने लगेगा। काफ़ी बढ़िया बात है भाई ये। एंड क्लचर अभी आप देख ही लीजिए, एक बार कुछ ऐसा क्लचर मिलता है और ऑन करने के बाद ये एनालॉग वाला कांटा ऊपर उठता है, काफ़ी बढ़िया लगता है भाई। सो गाइस, ये था भाई अपना की वगैरह और इग्निशन को ऑन करने के बाद कैसा लुक आता है। एंड प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करते हैं, टोटल 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। टॉप मॉडल खड़ा हुआ है अलॉय व्हील वेरिएंट, जहाँ पे गाइस अपने को काफ़ी बढ़िया अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, देख रहे हैं आप पूरा ब्लैक कलर का। एंड बात कर लेते हैं कलर ऑप्शन की, तो काफ़ी सारी कलर ऑप्शन में ऑफर होती है इंटरसेप्टर 650। टोटल 11 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपके सामने। इसका ब्लैक रे कलर खड़ा हुआ है और पूरी बॉडी कलर अपने को ब्लैक ही देखने को मिलती है। एंड प्राइसिंग की बात करेंगे तो यह आपको भाई वाराणसी में एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है 3,21,000। एंड मोटी मोटा ऑन रोड चली जाएगी भाई अप्रॉक्स, समझ जाइए 3,90,000 से 4,00,000 तक। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड गाइस, अब बात आती है भाई इसके फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले ऊपर आप देखिए, यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं राउंड शेप में, जैसा कि आपको रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट में मिलता है। एंड यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो अपने को जो लीवर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो एडजस्टेबल मिल रहे हैं सिल्वर फिनिशिंग में। एंड ये भाई अपने को हैंडल बार्स मिल जा रहे हैं, हैंड ऊपर बीच में आपको एक मिल जाता है जो कि वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, एक रॉड मिल जाती है आपको। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे भी आपको जो फ्रंट का ब्रेक का लीवर मिलता है वो भी सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है एंड ये भी अपना एडजस्टेबल भाई देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, उसी के बाद यहाँ पे आपको जो अपना एनालॉग क्लस्टर मिल रहा है वो राउंड शेप में आपको ऊपर मिल जाता है। एंड फोर्क देख रहे हैं तो अपने को यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिलता है। कवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जिससे कि डस्ट वगैरह भाई अपने सस्पेंशन पे नहीं अब्जॉर्व होता है। एंड राउंड शेप में काफ़ी बढ़िया अपने को रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप में हेडलाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग, जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं एज अ DRL यहाँ पे आपको लाइट एक ब्लिंक करती हुई दिखेगी। टर्न सिग्नल आपको काफ़ी बढ़िया सा सेमी फ्लेक्सिबल रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में देखने को मिलता है। एंड ये वाला टर्न सिग्नल मुझे काफ़ी प्यारा लगता है भाई। एंड प्रॉपर आपको पीछे ये क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाइस, ये थी इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। एंड अब आते हैं भाई इसके फेंडर पे। यहाँ पे गाइस आपको फाइबर के फेंडर देखने को मिल जाते हैं एंड टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। यहाँ पे आपको सस्पेंशन पे एक भाई अपने को नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, तो जो कि नाइट टाइम में व्हीकल को विजिबिलिटी रखने में काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करता है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की, तो 100x90 सेक्शन टायर मिल रहे हैं विद 18 inches ऑफ एलॉय व्हील। ट्यूबलेस टायर अपने को ऑफर हो रहा है यहाँ पे। एंड ये अपना रेडियल टायर नहीं है, ग्रिपिंग वगैरह आप देखिए काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे आपको ग्रिप मिल जाती है, काफ़ी मतलब टायर का प्रोफाइल सही है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो भाई डुअल चैनल ABS के साथ आता है, फ्रंट में भी ABS, रियर में भी ABS मिल जाता है। फ्रंट में 320mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, काफ़ी बढ़िया सा डिस्क साइज दिया है। यहाँ पे बाइब्रेक के कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं आपको। एंड गाइस, एयर ऑयल कूल इंजन है तो यहाँ पे आपको रेडिएटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डुअल एग्जॉस्ट के साथ आती है आपको इसकी पाइप देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाती है, ट्विन हॉर्न के साथ आती है। एंड गाइस, अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है प्रॉपर इसकी भाई लेफ्ट साइड प्रोफाइल, काफ़ी बढ़िया लगती है। टैंक देखेंगे तो 13.7 लीटर के साथ अपने को पूरा ही मेटेलिक फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, पूरा मेटल का टैंक मिलता है। एंड यहाँ पे गाइस आपको काफ़ी बढ़िया सा ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग, फ्यूल लोब देखेंगे गाइस, यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स में फ्यूल लोब मिल जाती है, फ्लेक्सिबल को सपोर्ट करती है। E20 की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है टैंक पे। नीचे आ रहे हैं तो पूरा ही अपने को गाइस स्मोक ब्लैक कलर में पूरा इंजन देखने को मिलता है, काफ़ी हैवी इंजन लगता है भाई देखने में, वैसे ये इंजन हैवी है भी। यहाँ पे आपको स्पार्क प्लग मिलेगा, सिल्वर से पूरी प्लेटिंग मिल जाती है कवर करने के लिए भाई, अंदर जो क्लस्टर वगैरह मिलता है। एंड ये प्रॉपर अपने को भाई ओवरऑल इंजन एंड 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। स्प्लिट गियर लीवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया गाइस अपने को फोल्ड अनफोल्ड के साथ अपना मिल जाता है फुटरेस्ट, जो कि गिरने वगैरह पे अगर देखेंगे या फिर किसी चीज़ से लगने में फोल्ड हो जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, फिक्स नहीं है वो, टेढ़ा होने का या टूटने होने का डर रहता है भाई।
रियर पैसेंजर के लिए प्रॉपर अपने को भाई फुटरेज देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया रबर की पैंटिंग है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। एग्जॉस्ट आपको ट्विन एग्जॉस्ट आता है तो आपको राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड एग्जॉस्ट मिलेगा। ये भी काफ़ी बढ़िया मतलब मैट फिनिश में मिल जाता है ब्लैक कलर का। वीमेंस के लिए प्रॉपर साड़ी गार्ड मिला है, हालांकि फुटरेज उनके लिए नहीं आता। एंड भाई एग्जॉस्ट पे हालांकि वो पैर रखेंगे जरूर। यहाँ पे गाइज अपने को रियर में काफ़ी बढ़िया डुअल रिंग टाइप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी बढ़िया रियर में सस्पेंशन यूज़ किया गया है तो कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा ही सभी स्पोर्ट्स व्हीकल में मिलता है वैसा ही हाफ चैन कवर अपने को देखने को मिलेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर व्हीकल है, मतलब आप पीछे आराम से अपनी मम्मी या फिर बहन वगैरह को बैठा सकते हैं। पूरी फ्लैश सीट आती है और कुछ नहीं देख लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया वेल कुशन्ड आपको सीट देखने को मिलता है। रियर में आपको ग्रैब्रेल हैंडल ऑफर होगा। एंड ये देखिए राइडर के लिए सीट बढ़िया है, बात है भाई। थोड़ी सी मुझे मतलब दिखने में ऐसी लग रही है कि ये पतली है, लेकिन चलिए भाई साइड पैनल पे देख रहे हैं तो ये आपको फाइबर का देखने को मिल रहा है। इंटरसेप्टर 650 की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी। डुअल स्टैंड आता है, काफ़ी बढ़िया बात है भाई। साइड स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों चीज़ें देखने को मिल जा रही है। अभी हम लोग मीटर कॉन्ट्रोल स्विचेस की बिल्कुल बात करेंगे। अब थोड़ा सा रियर प्रोफाइल को देख लेते हैं, एक बार अल्ट्रा वाइड एंगल देख लेते हैं तो भाई कुछ ऐसा अल्ट्रा वाइड एंगल में पूरी रियर प्रोफाइल देखने को मिलती है। इधर गाइस अपने को सिंगल ग्रैब्रेल हैंडल, रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में टेल लैम्प, एंड ये सब आप देखेंगे क्रोम इंसर्ट्स, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। टर्न सिग्नल भी आपको यहाँ पे हैलोजन ही आ रहा है। नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, रियर फेंडर यहाँ पे ये प्रॉपर मिलता है फाइबर का। नॉन फॉक्सर रिफ्लेक्टर एंड ये एग्जॉस्ट, इधर भी एग्जॉस्ट अपने को मिल जाएगा भाई। और एक बार इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इसके रियर टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की। काफ़ी बढ़िया रियर में भी अपने को टायर देखने को मिल जाता है। 130x70 सेक्शन के टाइम मिलेंगे विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। ग्रिपिंग वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। रियर में गाइस अपने को VABS मिलता है, वाइब्रेक के कैलिपर्स मिल जा रहे हैं। ये अपना ओवरऑल सस्पेंशन। एग्जॉस्ट गाइस जैसे मैंने बताया था तीनों एग्जॉस्ट आता है तो दोनों ही तरफ अपने को एग्जॉस्ट मिल जाता है। अगेन यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिलेगा, ब्रेक लीवर मिल जा रहा है एंड ये भाई ओवरऑल इंजन। एंड गाइस यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया बात है। इधर भी अगेन लेफ्ट साइड की सर रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की ग्राफिक्स आ जाती है। एंड इधर भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग, सब ग्राफिक्स है, 3D लोगो कोई भी नहीं मिलता। 13.7 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बताई दिया था। अब बात कर लेते हैं भाई इसके मीटर कंसोल एंड स्विचेस की। तो भाई जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं काफ़ी बढ़िया अपने को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इधर गाइस देखेंगे तो अपने को मिल जा रहा है स्पीडोमीटर, इधर अपने को टैकोमीटर, यहाँ पे आपको डिजिटल फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर वगैरह मिलेगा। राइट साइड में अपने को ABS, लो ऑयल प्रेशर, न्यूट्रल, लो बैटरी इंडिकेशन, इंजन चेक लाइट, यहाँ पे बीच में आपको एक बटन मिल जाता है अपने क्लचर को सेट करने के लिए। काफ़ी बढ़िया बॉर्डरिंग में क्रोम इंसर्ट्स मिल जा रहा है एंड यहाँ पे आपको की का सेटअप मिलता है। स्विचेस को देखते हैं तो राइट साइड में अपने को गाइस इंजन कट ऑफ का स्विच मिल जा रहा है, हैजार्ड का स्विच मिलता है, हैजार्ड फंक्शनलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया ये आपको भाई पियानो ब्लैक पूरा मिल जा रहा है पैनल, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इंड बारा आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाता है। एंड अगर लेफ्ट साइड स्विचेस को देखते हैं तो यहाँ पे गाइस आपको हाई बीम लो बीम पास का इंटीग्रेटेड स्विच मिल जाता है। इधर टर्न सिग्नल एंड हॉर्न की स्विच मिलेगी, ट्विन हॉर्न काफ़ी लाउड होने यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। रियर व्यू मिरर्स मिल जाएंगे राउंड शेप में अपने को। सो गाइस ये थी इसकी ओवरऑल भाई फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या इंजन में पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाती है, क्या ओवरऑल डायमेंशन मिलती है। तो सबसे पहले इसके इंजन की बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी हैवी इंजन देखने को मिलता है अपना, 648 cc टू सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन। एंड गाइज ये अपना भाई एयर ऑयल कोड है, जहाँ पे गाइज मैक्स पावर अपने को मिल जाता है 47 bhp की 7150 rpm पे एंड 52 nm की टॉर्क मिलती है 5250 rpm पे। 6 गियर मिल जाता है, अप्रॉक्स माइलेज ये आपको 22-24 किलोमीटर पर लीटर तक की दे देती है। एंड टॉप स्पीड की बात करेंगे अप्रॉक्स 170 किलोमीटर पर आवर तक की यहाँ पर आपको टॉप स्पीड मिल जा रही है। एंड गाइस अगर डायमेंशन की बात कर लेते तो ओवरऑल लेंथ मिल रही है भाई अपने को 2119 mm की, 857 mm की वेट, 1120 mm की हाइट, 1398 mm की व्हील बेस। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो अप्रॉक्स गाइस इंटरसेप्टर 650 में 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर हो रही है। सीट हाइट गाइस यहाँ पे देख रहे हैं तो 804 mm की मिल जाती है, तो इस शॉर्ट राइडर भी होंगे वो भी इसको राइड कर लेंगे। सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं आती, बहुत कम भी नहीं मिलती है। कर्वेट की बात करेंगे तो अप्रॉक्स गाइस यहाँ पे आपको 213 kg की यहाँ पे आपको कर्वेट मिल जाती है अपने रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 में। टोटल 11 कलर ऑप्शन मिलते हैं, 4 कलर्स आ जाते हैं, टोटल 11 कलर ऑप्शन मिलते हैं, 4 वेरियंट्स मिल जाते हैं। एंड अगर आपको स्पोक व्हील्स चाहिए, लाइक अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ऐसा अगर स्पोक व्हील चाहिए तो वो भी वेरिएंट अवेलेबल है, बिल्कुल आप उस पर जा सकते हैं। जिसको एलॉय चाहिए वो ये टॉप मॉडल ले सकता है। काफ़ी बढ़िया बात है भाई। बाकी गाइस ये थी भाई
अपनी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 काफ़ी बढ़िया है। ये मुझे कलर ऑप्शन लग रही है, कहीं भी बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं, थोड़ा मोड़ा ग्राफिक्स अपने टैंक वगैरह साइड पैनल में मिल जा रहा है। ठीक है भाई, पूरी ब्लैक्ड आउट अपने को व्हीकल मिलती है। सो गाइस, ये थी इसकी फुल डिटेल रिव्यू अपने रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की। मोटी मोटा ऑन रोड कॉस्ट करेगी वाराणसी में 4 लाख। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वैरी कर सकती है। वीडियो वाइज अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसको लाइक जरूर करिएगा। असिस्टेंट स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS, सेमी डिजिटल अपने को क्लस्टर मिल जा रहा है। लाइट अपने को फ्रंट में LED मिलती है, बाकी टर्न सिग्नल, टेल लैंप, हैलोजन ही देखने को मिल रहा है। सो गाइस, मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेल लैंप, टेक केयर, बाय बाय।